और ये बात मैं इसलिए बोलता हूं कि लागू होती है सब पर। जिस घर में खाटू आप गए 11 को 12 11 नहीं 25 साल से आओ, लेकिन याद रखना जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं है ना, उस घर में आज तक उन्नति इतनी नहीं हुई जो आप सोच सकते हो। और जिस घर में एक साल में एक बार आप आओ लेकिन अपने माँ बाप को टाइम दे सकते हो, उन्हें मना सकते हो, उनका आशीर्वाद ले सकते हो, तो 11 11 11 को ये खुद चलकर आपके घर पर आपको आशीर्वाद देने करनी पड़ेगी। इज्जत इसे मत मनाओ, ये नहीं कहता कि मुझे मनाओ, क्या करोगे इसे मना के? अगर जिस घर में अपने बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं है उस घर में कभी प्रगति, उस घर में कभी ठाकुर का निवास, उस घर में मेरे बाबा का वास कभी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ से एक चीज सीख कर जाइए कि बाबा 29 दिन अपने माँ बाप की शरण में रहेंगे और एक दिन 11 को तेरी शरण में आएंगे, तब देख कर ये देखिए आपको कैसे गले लगे। ये रिंगस लेने पहुंच जाएगा आपको, लेकिन करनी पड़ेगी आपको अपने माँ बाप की। बोलिए सांची दरबार की। आइए, ओ मेरे प्रभु सभा बीच में आ जाना, मेरे प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, गोरा मैया जी की आंखों के तारे। आइए जो गजेंद्र गणेश जी को मानते हैं सुनो, दोनों हाथ लगा के साथ वन वन तारे प्रभु भजन तुम्हारा
और अंत में दोनों हाथ उठाकर एक साथ मेरे विघ्न विनाशक देवा सबसे पहले करे तेरी सेवा मेरे विघ्न विनाशक देवा सबसे पहले करे तेरी सेवा एक बार दोनों सीधे हाथ उठाकर मेरे विघ्न विनाशक देवा की कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे श्री राम का दीवाना अरे चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना जैसे हनुमान जी नाचते दोनों हाथ उठाकर आपको ताली बजाएंगे राम राम सिया राम We'll be right back.
ठीक 12 बजे बाबा के विशाल पांडाल में बाबा का जन्मदिन मनाते हुए आपके एक एक लोगों का भोग मेरे ठाकुर को लगे, ये मेरी इच्छा है। हो सके ऐसा नहीं ठाकुर खाजू काजू बदाम खाते हैं, नहीं खाते। आप एक टिफिन खाली लेकर आना, उसमें भाव लेकर आना कि बाबा